असल स्टूडेंट्स मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग आपका फिजिक्स टीचर स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर थ्री की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर नंबर और क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट्स लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट फोर विच स्टेट्स दैट स्पेसिफाई द करेक्ट जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं देयर आर टोटल फोर स्टेटमेंट आर गिवन ए बी सी एंड डी अब हमने स्टेटमेंट को रीड करने के बाद बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कोरेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है तो स्टूडेंट रीड करते हैं एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अंस्टेंट विलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग तो स्टूडेंट्स कैसे मुमकिन है कि एक ऑब्जेक्ट की विलोसिटी तो कॉन्स्टेंट रहे लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो रही हो नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट इज एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अंस्टेंट स्पीड इवन इट्स विलोसिटी इज चेंजिंग तो स्टूडेंट्स क्या ऐसा मुमकिन है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड तो कॉन्स्टेंट हो लेकिन उसकी विलोसिटी चेंज हो रही हो नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो जीरो हो इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो और लास्ट स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी विलोसिटी क्या एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अपनी विलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकता है नाउ स्टूडेंट्स अब हम बारी बारी इन स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकोरेक्ट स्टूडेंट्स अगर हम स्टेटमेंट ए की बात करें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इट इज फॉल्स स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट कि उसकी विलोसिटी तो कॉन्स्टेंट रहे लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो रही हो तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी रीजन डिस्कस करते हैं कि क्यों फर्स्ट स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम होगा कि अगर हम विलोसिटी की बात करें तो स्टूडेंट्स विलोसिटी इज अ वेक्टर क्वान्टिटी तो विलोसिटी का मैग्नीच्यूड भी होगा और विलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी तो स्टूडेंट्स जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी है इट मींस दैट स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाता है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि स्पीड का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ही के मैग्नीट्यूड के इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब हम विलोसिटी के जस्ट मैग्नीट्यूड को कंसीडर करें तो इन अदर सेंस हम स्पीड को कंसीडर कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स अगर किसी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि विलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और विलोसिटी की डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी तो स्टूडेंट्स अगर विलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कांस्टेंट होगी तो हम लिख सकते हैं कि इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट इट मींस दैट इट्स स्पीड इज आल्सो कांस्टेंट तो स्टूडेंट्स दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट नाउ स्टूडेंट्स अगर हम अब स्टेटमेंट बी की बात करें विच स्टेट दैटा मुमकिन है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कॉन्स्टेंट रहे लेकिन उसकी विलोसिटी चेंज हो रही हो तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इट कैन बी पॉसिबल तो इसका मतलब है स्टेटमेंट बी इज अ कोेक्ट स्टेटमेंट तो स्टूडेंट्स जिस तरह हमने स्टेटमेंट ए को डिस्कस किया है तो जो एक्सप्लेनेशन हमने जस्टिफिकेशन स्टेटमेंट ए में हमने डिस्कस की है हम उसी को यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट बी के लिए तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी रीजन को डिस्कस करते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड तो कांस्टेंट रहे लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने अभी एक्सप्लेन किया कि विलोसिटी के टू कंपोनेंट्स हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और स्टूडेंट्स जो मैग्नीट्यूड है हम उसी को ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कंसीडर करते हैं तो स्टूडेंट्स अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की विलोसिटी का मैग्नीच्यूड भी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा लेकिन स्टूडेंट्स उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है क्योंकि डायरेक्शन के लिए तो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि डायरेक्शन कांस्टेंट है या वेरिएबल है तो इट मींस दैट कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है इट कि वेलोसिटी का मैग्नीच्यूड कांस्टेंट है लेकिन ज ए पॉसिबिलिटी दैटिटी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है इसकी एग्जाम्पल भी कंसिडर कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर एक ऑब्जेक्ट ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक सर्कल में मूव करता है और हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है इट इज इक्वल टू ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड और स्टूडेंट्स ये स्पीड ही उस ऑब्जेक्ट की विलोसिटी का मैग्नीच्यूड होगा जो कि ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड है लेकिन स्टूडेंट्स ड्यू टू मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक उस ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है मोशन की वो हर पॉइंट पे क्या हो रही है चेंज हो रही है तो इट मीन्स दैट के ऊपर ऑब्जेक्ट की विलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है चेंज हो रही है तो अगर ऑब्जेक्ट की विलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इट मीन्स दैट कि विलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि विलोसिटी में चेंज दो तरह से आ सकता है या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर लें या फिर डायरेक्शन चेंज कर लें तो स्टूडेंट्स इसलिए हम लिख सकते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रहे लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो बल्कि वो चेंज हो रही हो नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं विच स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट कैन हैव वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो तो स्टूडेंट्स क्या मुमकिन है ऑब्जेक्ट की विलोसिटी तो जीरो हो लेकिन उसका एक्सलेशन जीरो ना हो तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट का आंसर आएगा इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट सी का आंसर हम लिखेंगे इट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट तो स्टूडेंट्स इसकी रीजन क्या हो सकती है या एक एग्जाम्पल से हम इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि के किस केस में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं होता लेकिन उसकी विलोसिटी जीरो होती है तो एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं विद एन इनिशियलिटी वी आई तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा इसकी विलोसिटी में डिक्रीज आएगा लेकिन स्टूडेंट्स एट मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी या स्पीड आएगी उसकी वैल्यू होगी जीरो तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट पर जाकर ये ऑब्जेक्ट थोड़े से लम्हे के लिए रुकेगा देन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा तो स्टूडेंट्स जिस लम्हे ये ऑब्जेक्ट रुकेगा उस पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी या स्पीड जीरो कंसीडर की जाएगी लेकिन स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा विच इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट क्या है जीरो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को इलेबोरेट करने के लिए हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देर इज अ कार विच इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद इनिशियल विलोसिटी वी आई फॉर एग्जाम्पल इसकी इनिशियल विलोसिटी है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड तो स्टूडेंट्स अगर हम अचानक कार की ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो इसकी विलोसिटी ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड से जीरो मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगी और स्टूडेंट्स इसको हम फाइनल वेलोसिटी कह सकते हैं और हम अज्यूम करते हैं कि गाड़ी की विलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड हुई है विद इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकंड्स तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्या इस एग्जाम्पल में कार का एक्सेलरेशन जीरो इक्वल तो के इक्वल होगा तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स विलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी है जीरो इनिशियल विलोसिटी है ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टाइम है फाइव तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आएगा माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फाइव और एक्सेलरेशन की फाइनल वैल्यू आएगी माइनस फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस एग्जाम्पल में भी ऑब्जेक्ट की विलोसिटी तो जीरो है फाइनल विलोसिटी जीरो है, लेकिन ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है नाउ स्टूडेंट्स अब हम लास्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं विच स्टेट्स दैट आप देख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अंस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स विलोसिटी स्टूडेंट्स लास्ट स्टेटमेंट में mentioned है कि कैसा मुमकिन है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो लेकिन उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है तो स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मुमकिन है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहे लेकिन उसकी विलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो स्टूडेंट्स इसी चैप्टर के जब हमने क्वेश्चन नंबर थ्री को डिस्कस किया था जिसमें यह चीज मैंशन थी कैन द विलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट तो हमने एक एग्जाम्पल से जस्टिफाई किया था और वो एग्जाम्पल क्या थी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम एक बॉल को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई लेकिन जैसे ही ये बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होगी लेकिन मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद जैसे ही फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आएगी तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट थोड़े से लम्हे के लिए रुकेगा और अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा और साथ ही आफ्टर दैट वो डाउनवर्ड मोशन को स्टार्ट कर देगा तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट की पहले डायरेक्शन ऑफ मोशन थी अपवर्ड अब उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है डाउनवर्ड लेकिन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है इट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो आपने देखा कि इस एग्जांपल में ऑब्जेक्ट की विलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हुई है लेकिन ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है कॉन्स्टेंट तो स्टूडेंट यह था क्वेश्चन नंबर फोर का सोल्यूशन स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव विच स्टेट दैट अटैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप विद इनिशियल विलोसिटी वी आई एंड एट द सेम टाइम थ्रोज अ सेकेंड बॉल स्ट्रेट डाउनवर्ड विथ द सेम स्पीड विच बॉल विल हैव ग्रेटर स्पीड वेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इग्नोर द एयर फ्रिक्शन तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने के लिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये एक वर्टिकल टावर है और स्टूडेंट्स अगर कोई पर्सन कोई आदमी इस टावर के टॉप से पहले एक बॉल को स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है वो बॉल पहले ऊपर जाएगा लेकिन उसकी वेलोसिटी है वी आई और स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद ही उसकी वेलोसिटी जीरो होगी वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा और एक वक्त आएगा वो जमीन को हिट करेगा और स्टूडेंट्स सेकंड केस में इस आदमी ने एक बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है विद द सेम इनिशियल स्पीड और विलोसिटी विच इज इक्वल टू वी आई और स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है यह बॉल भी कुछ टाइम के बाद जमीन के साथ आकर हिट करेगा तो स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि दोनों बॉल्स में से बॉल वन या बोल टू दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी जब वो जमीन से टकराएगा तो स्टूडेंट्स बोथ द बॉल्स विल हैव द सेम स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग ग्राउंड तो स्टूडेंट्स ये तो हमने बता दिया कि दोनों बॉल्स की वेलोसिटी या स्पीड सेम रहेगी जब वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेंगे तो स्टूडेंट्स अब हम रीजन एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट में मेंशन है कि आदमी ने दोनों बॉल्स को विद द सेम इनिशियल स्पीड के साथ थ्रो किया है तो हम लिखेंगे बोथ द बॉल्स हैव सेम इनिशियल स्पीड एज बोथ द बॉल्स हैव सेम Initial speed, which is equal to VI. Therefore, both the balls. विल हैव सेम फाइनल speeds तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा कि दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट की बॉल की स्पीड वी आई के इक्वल है तो फाइनल स्पीड भी बॉल्स की वी आई इक्वल ही आएगी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन लेकिन स्टूडेंट्स, फर्स्ट बॉल जिसको आदमी ने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया इट विल टेक मोर टाइम ये ज्यादा टाइम लेगा जमीन के साथ इट विल टेक मोर टाइम टू स्ट्राइक विद द ग्राउंड लेकिन बॉल टू जमीन के साथ जल्दी स्ट्राइक करेगा बिकॉज इसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड ही थी इनिशियली भी और फाइनली भी लेकिन बॉल वन पहले ऊपर की तरफ जाएगा देन वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें जैसा कि दोनों बॉल्स की इनिशियल स्पीड वी आई के इक्वल थी तो स्टूडेंट्स दोनों बॉल्स की फाइनल स्पीड भी वी आई के इक्वल होगी इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर फाइव का सोल्यूशन स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव के आंसर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज